हाय स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे तीसरा भाग पावर शेयरिंग का। अभी तक हम लोग देखे थे कैसे बेल्जियम और श्रीलंका दोनों के बीच का संपर्क, दोनों के बीच में जो ला थी, कानून व्यवस्था था, वो किस तरह उपयोग में लाते थे। टुडे विल स्टार्ट from here, fine German engineering. Here one cartoon is given. यहाँ पर cartoon एक दिया गया है, German government. जो cartoon इस चीज को दर्शाता है, here is given. The cartoon at the left refers to the problems of running the German Grand Coalition government. ये टू यू कैन सी इट हियर, दौर दिया गया है इसमें। कभी आप गाड़ी में देखे होंगे, एक ही रहता है उसके स्टेयरिंग, बट यहाँ पे दो दिया गया है, क्योंकि कोलिशन गवर्नमेंट है, कैसे मिल करके सरकार चलाई जा रही है। कहाँ? बेल्जियम में। वो नहीं चाहते थे किसी के भेदभाव हो, किसी के साथ गलत हो, इसलिए उन लोग मिल के कोलिशन गवर्नमेंट के किसी विचार भेदभाव मतभेद सब भुलाते हुए साथ में लोग सरकार चलाने का निर्णय लिए। इन 2005 में दे टेक डाइवर्जेंट पोजिशन ऑन सेवरल पॉलिसी मैटर्स बट स्टिल जॉइंटली रन द गवर्नमेंट। हालांकि उन लोग को पॉलिसी मैटर में बहुत सारी चीज़ें हैं अलग, तो उसके बाद भी इन लोगों ने एक हो करके एक मत से, एक विचार से सरकार चलाई। यू कैन सी हियर टू हैंडल्स आर देयर, टू हैंडल गिवन हियर, टू हैंडल आर हियर, ए टू हैंडल में स्टेयरिंग, टू स्टेयरिंग्स आर देयर, हाउ दे रन, इज इट पॉसिबल, बट रूलिंग एंड टू गवर्न a country is possible. Then if you see here, tyranny of majority, of the majority, not just oppressive for the minority. Minority के लिए ये नहीं है कि majority वाले क्या कर रहे हैं, किस तरह शासन कर रहे हैं, और ये रिटर्न सत्ता के बंटवारे क्या जरूरी है, माने अधिकार डिजायरेबल, इज डिजायरेबल और नॉट, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, क्या पावर शेयरिंग डिजायरेबल है, सत्ता का बंटवारे बांटने क्यों है। दस टू डिफरेंट सेट्स ऑफ रीजन कैन बी गिवन इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग। यहाँ पे क्या है, दो प्रकार के अलग अलग सेट कर सकते हैं सत्ता के बंटवारे के पक्ष में दिया जा सकता है। सबसे पहले सत्ता का बंटवारा अच्छा है, क्योंकि की संभावना को कम करने में मदद करता है, सामाजिक समूह के बीच संघर्ष को कम करने में मदद करता है, क्योंकि सामाजिक संघर्ष अक्सर हिंसा की ओर जाता है और राजनीतिक अस्थिरता सत्ता का बंटवारा का स्थिरता का सुनिश्चित करने के लिए एक अच्छा तरीका है। राजनीतिक व्यवस्था की इच्छा थोप दूसरे पर बहुसंख्यक समुदाय हो सकता है एक आकर्षक विकल्प की तरह देखते हैं, अल्प अवधि में भी, लेकिन लंबे समय में ये राष्ट्र की एकता का नजर अंदाजा करता है। हो सकता है समटाइम इट नॉट बी गुड, कंफ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स एंड मैनी थिंग कैन हैपन, लेकिन ये लंबे समय के लिए सही रहता है। एंड एज यू गो अहेड, यहाँ जो देखते हैं, पावर शेयरिंग इज ए गुड वे टू एंश्योर द स्टेबिलिटी पॉलिटिकल ऑर्डर। सत्ता का जो एक विकल्प, अच्छा विकल्प है कि हमेशा के लिए ये बना रह सकता है और में
look like community over others may look like an attractive option in the short run. हो सकता है दूसरे की नजरों में एक अल्पावधि कह सकते हैं, बट टायराना बहुमत का अत्याचार सिर्फ नहीं है अल्पसंख्यक के दमनकारी, ये अक्सर बहुमत के लिए बर्बाद के रूप अच्छी तरह से लाता है। एक दूसरा गहरा कारण है क्यों सत्ता के बंटवारे के लिए अच्छा है, हमें समझने की जरूरत है। पहला तो हो सकता है दूसरे की नज़रों में सही ना हो, लोग कह पाते हैं कि ये व्यवस्था, ये राजनीति और अल्पसंख्यक नज़रों में सही हो ना हो, संघर्ष भी हो सकता है, आकर्षक हो सकता है, पूरी तरह दिखता है लेकिन अल्पावधि में, लेकिन लंबे समय में ये राष्ट्र की एकता का नज़रअंदाज करता है। ये लोग कहते हैं थोड़े दिन के लिए चलता है, ज़्यादा दिन नहीं चलेगा इस तरह का शासन। और दूसरा कारण ये हो सकता है क्या सत्ता बंटवारे के लिए अच्छा है, लोकतंत्र सत्ता का बंटवारा बहुत है, लोकतंत्र की भावना, एक लोकतांत्रिक शासन, उन लोगों के साथ सत्ता साझा करना शामिल है, इसके अभ्यास से प्रभावित है और जो है उसके प्रभाव के साथ रहने के लिए लोगों के पास एक कैसे कर रहे हैं पर परामर्श किया जाना सही है, शासित होना एक वैध है। That is the thing. Exercise of who right to be consulted, how they are governed and how they rule, how they are ruling. Let's call the first set of reason prudentially and the second moral. While prudentially reason states that the power sharing will bring out better outcome. एक बुद्धिमानी के साथ फैसला करना ये हमेशा क्या होता है, पावर शेयरिंग अच्छे आउटकम, अच्छे नतीजा को ले जाता है, अच्छा नतीजा को लेकर आता है। मोरल रीजन एम्फसाइज द वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग एज वैल्यूएबल। और सत्ता का बंटवारा जो है, अधिकार का शेयर करना एक अच्छा संकेत है, ये महत्व है, एक कीमती है। Here one story is given. Annette studies in a Dutch medium school in the northern region of Belgium. Many French speaking students in her school want the medium instruction to be French. यहाँ पर Annette का story है जो पढ़ती थी बेल्जियम में, डच मीडियम में, वहाँ जो कहानी है इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। यू हैव टू राइट डाउन, इस स्टोरी को आप हिंदी में लिखेंगे और आप सबमिट करेंगे। यू हैव टू रीड दिस स्टोरी एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड यू हैव टू राइट डाउन इन हिंदी एंड सबमिट। सो नाउ एक्चुअली लास्ट पार्ट टू यू हैव सीन दोस थिंग, बट टुडे यू विल सी फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयर करने के कितने फॉर्म हैं उसे हम देखेंगे। द आइडिया पावर शेयरिंग हैज एमर्ज इन ऑपोजिशन टू द नोशन। जो आइडिया है पावर शेयरिंग का, उसे किस तरह ये होता है, सत्ता बंटवारा विचार धारणा के विरोध में उभरा अविभाजित राजनीतिक शक्ति का एक के लिए लंबे समय से ये माना जाता है कि सभी शक्ति के एक सरकार में एक में रहना चाहिए। स्थिति व्यक्तियों के व्यक्ति का समूह एक स्थान पर यह महसूस किया गया था। इज द थिंग, हमेशा लोग ये सोचते थे अगर अच्छे सरकार चलना है तो सत्ता में एक साथ बनना बहुत जरूरी है। इट वॉज फेल्ट दैट इफ द पावर टू डिसाइड इट डिस्पेयर्स, इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू टेक क्विक डिसीजन। अगर सत्ता में अगर दूर दूर बने रहते हैं लोग तो तुरंत किसी भी फैसला लेना संभव नहीं है।
But this notion have changed with the emerged democracy. One basic principle of democracy that people are the source of all political power. और ये संभव नहीं है कि सत्ता में अगर एक ही के पास अधिकार हो, सत्ता के बंटवारे ना हो, तो तुरंत किस तरह फैसला लेना, ये संभव नहीं होगा. और प्रजातंत्र में लोगों का ही महत्व, लोगों का ही ज़्यादा पावर होता है, व्यक्ति ही महत्व होता है, या सिटीजन आर द मोर इम्पोर्टेंट इन डेमोक्रेसी. सो हियर गिवन हियर इन डेमोक्रेसी पीपुल आर हियर, बट दिस नोशन हैव चेंज विद द एमर्ज ऑफ डेमोक्रेसी. वन बेसिस प्रिंसिपल डेमोक्रेसी दैट पीपुल आर द सोर्स ऑफ ऑल पोलिटिकल पावर. हर एक पोलिटिकल पावर का मेन सोर्स से सिटीजन, व्यक्ति ही. इन ए डेमोक्रेसी पीपुल रूल. डेमोक्रेसी क्या, प्रजातंत्र में व्यक्ति, लोग शासन करते हैं. किसके माध्यम से? इंस्टीट्यूशन के माध्यम से. जो व्यवस्था दिया गया है, जो हमारे संविधान या जो भी इंस्टीट्यूशन बना हुआ है, उसके माध्यम से लोग शासन करते हैं. लोकतंत्र में शासन करते हैं खुद की संस्थाओं के माध्यम से. स्वशासन, एक अच्छे लोकतांत्रिक में सरकार उचित सम्मान दिया जाता है. विविध समूह और विचार जो मौजूद है एक समाज, हालांकि अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं और डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कास्ट, उसके बावजूद जब लोग एक होके रहते हैं, सबके लिए जब ध्यान दी जाती है, तो सब एक साथ आते हैं. और डेमोक्रेसी के लिए अच्छी सूचना है. इन ए गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ड्यू रेस्पेक्ट इज गिवन टू डाइवर्स ग्रुप एंड व्यू दैट एग्जिस्ट इन सोसाइटी. अच्छे लोकतंत्र में हर एक ग्रुप को, हर समूह को ड्यू रेस्पेक्ट दिया जाता है. एंड सपोज वी रैन या गवर्नमेंट रैन इन डेमोक्रेसी, द मेन उसका उद्देश्य ही है वी रूल, पीपुल रूल, हम शासन करते हैं उसमें. सो यू मस्ट रेस्पेक्ट अदर्स कल्चर, अदर्स लैंग्वेज, अदर्स पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी. एवरीवन हैज ए वॉइस इन द शेपिंग अ पब्लिक पॉलिसी. देयरफॉर इट फॉलोज दैट इन डेमोक्रेसी पॉलिटिकल, डेमोक्रेसी पॉलिटिकल व्हाट हैपन, पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एज मैनी सिटीजन इज पॉसिबल. सो इफ आई टेल यू इन माइंड, मैंने एक संक्षिप्त में बताया जाए, किसी भी देश में बगैर पावर शेयरिंग करे, ऐसा फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग हम पढ़ेंगे, लेकिन पावर शेयरिंग क्यों चाहिए? बिकॉज एवरी कंट्री देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपुल आर लिविंग, डिफरेंट कल्चर विथ अ डिफरेंट रिलीजन विथ डाइवर्स पीपुल आर देयर. सो वन पीपुल कैन नॉट रूल एंड टेक द डिसीजन क्विकली बाय सिटिंग फार फ्रॉम द लोकल पीपुल. सो अनलेस ही हैड डिस्ट्रीब्यूटेड द पावर टू मैनी सिटीजन एज पॉसिबल, जहाँ तक हो सके हर लोग पास अपना पावर को शेयर करता है. इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज पावर, आधुनिक लोकतंत्र में पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन टेक मैनी फॉर्म्स. आधुनिक लोकतंत्र में अभी जो लोकतंत्र चल रहा है, इसमें पावर शेयरिंग कई कितने फॉर्म में पाया जाता है. लेट्स लुक एट सम ऑफ द मोस्ट most common arrangement form. Common arrangement can take many form. Let's look at some of the most common arrangement that we have or will come across. So some of the points, forms of power sharing. Power is shared among different organs of government.
पावर इज शेयर्ड, सत्ता का जो बंटवारा है, जो पावर है सत्ता के पास में, उसका डिफरेंट ऑर्गन अलग अलग भागों में बांट दी जाती है, अलग अंगों को ये पावर दिया जाता है. सच है द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी. यू मे नो, यू मे फैमिलियर विथ दिस इंस्टीट्यूशन. लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये डिवाइड कर दी जाती है, सत्ता का डिवाइड कर दिया, पावर को डिवाइड कर दिया जाता है. नेताओं के, विधायकों के पास एक पावर होता है, ऑफिसर्स के पावर होता है, और जुडिशरी के पास, जो कोर्ट कचहरी होता है, उनके पास पावर है. लेट अस कॉल दिस हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिकॉज इट अलाउ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट. अगर इसको हॉरिजॉन्टल में देखा जाए, तीन भागों में डिवाइड कर दे, तो तीनों के पास बराबर पावर है. एंड पावर बिकॉज इट अलाउ डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट प्लेस एट द सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स. यू नो लेजिस्लेचर में डिफरेंट पावर, एग्जीक्यूटिव में डिफरेंट पावर, जुडिशरी में डिफरेंट पावर. जुडिशरी वर्क कैन नॉट बी डन बाय लेजिस्लेचर एंड बाय एग्जीक्यूटिव. जुडिशरी काम क्या है? कानून व्यवस्था का ध्यान रखना कंट्रोल में, और कानून व्यवस्था को बनाकर रखना. एग्जीक्यूटिव पावर्स दे आर द आल्सो वन ऑफ द पिलर ऑफ आवर कंट्री. देश का पिलर्स होते हैं एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, उनका काम है क्या है? देश का व्यवस्था, देश का सभी चीज़ों पर निगरानी रखना. लेजिस्लेचर दे आर पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, एंड डेमोक्रेसी से इन लोगों ने चुन कर आते हैं, और उनका काम है पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव करना, पब्लिक के लिए आवाज़ उठाना, इन तक पहुँच. इन लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, इन लोग कानून भी बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव्स इम्प्लीमेंट करते हैं, और कानून व्यवस्था को बनाए रखते हैं. जुडिशरी, इस तरह पावर को बांटा जाता है. डिफरेंट पावर सच एज सेपरेशन एनश्योर दैट द नॉन ऑफ द ऑर्गन्स कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी संस्था को अत्यधिक पावर, शक्ति एक्सरसाइज करने नहीं दिया गया. हर एक कंट्रोल में लेजिस्लेचर कैन नॉट विश वाट एवर ही विश, वाट एवर ही डू, वाट एवर ही वांट टू डू ही कैन नॉट डू. एग्जीक्यूटिव सब अपने दायरे में है, कोई लिमिट को पार क्रॉस नहीं कर सकता. ईच ऑर्गन चेक द अदर्स, और ये एक दूसरे को चेक करते हैं. सपोज जुडिशरी अगर अच्छा नहीं कर रहा है अपनी जिम्मेदारियाँ, एग्जीक्यूटिव पकड़ लें, लेजिस्लेचर पकड़ेंगे. अगर इनमें कुछ हो रहा है, आप अक्सर देखे होंगे नेता लोग कुछ करते हैं, तुरंत जुडिशरी केस होता है, एग्जीक्यूटिव भी आवाज़ उठाते हैं. तो दे ईच अदर दे चेक. सो पावर हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड बट स्टिल दे आर इन लिमिटेड विथ लिमिट विथ पावर एंड दे हैव बीन रेस्पॉन्सिबल टू चेक ईच अदर. They are responsible to check others. This result in a balance of power among various institutions. इसी कारणों से क्या होता है, हमारे जो संस्थाएं हैं इन सारे में बैलेंस बना रहता है. लास्ट ईयर वी स्टडीड दैट इन डेमोक्रेसी इवन दो मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल एक्सरसाइज पावर. और आप 9th में पढ़े हैं किस तरह मंत्री लोग और सरकार में मंत्री लोग और ऑफिशियल किस तरह अपने पावर को एक्सरसाइज इम्प्लीमेंट करते हैं और अपने पावर को इस्तेमाल करते हैं पार्लियामेंट में और स्टेट असेंबली में. सिमिलरली थ्रू जज आर अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव. और जज भी क्या होता है, जो जुडिशरी में एग्जीक्यूटिव के माध्यम से चुने जाते हैं, नियुक्त किए जाते हैं. दे कैन चेक द फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव और लॉ मेड द बाय द लेजिस्लेचर. और उसका जज क्या करता है, एग्जीक्यूटिव किस तरह कामकाज कर रहे हैं ऑफिसर्स एंड किस तरह फंक्शन हो रहा है, इस सारी चीज़ों को उन लोग देखते हैं. इवन लेजिस्लेचर पर देखते हैं कौन न्यायालय. दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड द सिस्टम ऑफ चेक्स ऑन बैलेंस. सो कीप इन माइंड इस तरह का सत्ता का बंटवारा कर दिया गया. पावर हैज बीन शेयर्ड टू लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. ये आपस में एक दूसरे को चेक करते हैं. जुडिशरी में जज को नियुक्त करते हैं एग्जीक्यूटिव, उसके बाद जुडिशरी इन पर किस तरह फंक्शन और निगरानी रखता है. इस तरह के अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, इस तरह अरेंज कर दिया गया हमारे संविधान में, इसको कहते हैं सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस. एंड सेकंड, फर्स्ट इज पावर इज सेट टू द लेजिस्लेचर. थ्री ऑर्गन्स आर देयर, डिफरेंट ऑर्गन्स पावर बीन सेट. एंड सेकेंड, पावर कैन बी सेट अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल. पहला है डिफरेंट ऑर्गन
माने विभिन्न अंगों को पावर शेयर कर दिया गया है। दूसरा पॉइंट है डिफरेंट लेवल में पावर दिया जाता है, जिस तरह जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री एक केंद्र सरकार होता है जो सभी देश के लिए होता है, ए टाइटल प्रोविंशियल रीजनल लेवल सच ए जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री। जैसे हम लोग जानते हैं मुख्यमंत्री होते हैं, उप मुख्यमंत्री, और पंचायत में होता है प्रधान, इस तरह का है, और हम जानते हैं केंद्र में एक सरकार होती है, वो सबके लिए होता है गवर्नमेंट। इन इंडिया वी रेफर टू इट एज द सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट। हम लोग क्या करते हैं इंडिया में, सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं हम लोग। द गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल आर कॉल्ड डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट कंट्रीज। क्या तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो हम लोग केंद्र सरकार कहते हैं, उस सरकार को अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। इन इंडिया व्हाट वी कॉल देम स्टेट गवर्नमेंट। दिस सिस्टम इज नॉट फॉलोड इन द ऑल कंट्री। स्टेट गवर्नमेंट का सिस्टम जो राज्य सरकार को दिया गया है, ये हर कंट्री में हर देश में नहीं यूज करते हैं इस तरह का पावर शेयरिंग का। देर आर मैनी कंट्रीज वेयर देर आर नो प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट, और बहुत सारे कंट्री ऐसे पाए जाते हैं दुनिया में जहाँ इस तरह स्टेट गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं है। बट इन दोज कंट्रीज लाइक आवर्स, हमारे देश की तरह कुछ कंट्री हैं जिसमें इस तरह है, वेयर देर आर डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, वहाँ पर अलग अलग प्रकार के माने स्तर लेवल में सरकार है। द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली ले डाउन पावर डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। हमारे संविधान में साफ एक कर दिया गया कि पावर डिफरेंट लेवल में डिफरेंट पावर दिया जाएगा और दिया गया है, और उनका पावर वो यूज करेंगे डिफरेंट लेवल। दिस इज व्हाट द दे डिड इन बेल्जियम। और बेल्जियम का स्टोरी इफ यू रिकलेक्ट, यदि याद करेंगे तो बेल्जियम में क्या हुआ, लोगों के साथ अन्याय ना हो, भेदभाव ना हो, किसी साथ डिस्क्रिमिनेशन, इसलिए उन लोग इवन यहाँ तक अपने संविधान में परिवर्तन करके सुधार ला के मिल करके कोलिशन गवर्नमेंट बना करके सभी व्यक्ति को, अगर डच स्पीकिंग पीपल आर 50% विल बी देयर, 50% प्लस विल गिवन टू देम, देन इवन फ्रेंच स्पीकिंग पीपल आल्सो 50% प्लस इज गिवन, सबको बराबर प्रायोरिटी दिया गया था। बट वाज रेफ्यूज इन श्रीलंका, श्रीलंका में क्या इसको महत्व नहीं दिया, इसके रेफ्यूज कर दिया, जिससे चलते उनके सोसाइटी में क्या हुआ था, सिविल वार हो गया था। दिस इज कॉल्ड फेडरल डिवीजन। और जो वी वाज रेफ्यूज इन श्रीलंका, इसको क्या कहते हैं, फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। फेडरल डिवीजन, कीप इन माइंड व्हाट इज फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। द सेम प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंडेड टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट लोअर देन द स्टेट गवर्नमेंट सच एट द म्यूनसिपल पंचायत लेवल। और इसी तरह के सरकार को ही क्या कह सकते हैं हम लोग, म्यूनसिपालिटी और पंचायत लेवल में जो लेवल ऑफ गवर्नमेंट क्या कर दी जाती है, भाग कर दिया जाता है, और भी उसके नीचे स्तर पे उसे क्या कहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट सच एज म्यूनसिपालिटी एंड पंचायत, इस तरह और भी डिवाइड कर दी जाती है, और भी डिवीजन बना दी जाती है, हायर एंड लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, वर्टिकली डिवीजन ऑफ पावर। वी शैल स्टडी दिस इन सम ऑफ द लेंथ इन द नेक्स्ट चैप्टर। और इस संबंध में किस तरह सरकार का लेवल है, पहला केंद्र सरकार, स्टेट गवर्नमेंट एंड लेवल डिफरेंट लेवल पावर इज गिवन, दोस्ट वी विल रीड इन नेक्स्ट चैप्टर। पावर मैनी आल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप। फर्स्ट पॉइंट, अलग अलग ऑर्गान को पावर दिया गया है। सेकेंड पॉइंट, डिफरेंट लेवल में पावर शेयर किया गया है, जिस तरह स्टेट गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट को। और थर्ड पॉइंट, पावर किसे दिया गया, डिफरेंट सोशल ग्रुप को, जिस तरह हमारे देशों में बहुत सारे भाषा बोलने वाले, बहुत सारे प्रकार की कम्युनिटी है, जिस तरह बेल्जियम में थे, अलग अलग भाषा, अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, तो उस तरह सोशल ग्रुप में पावर को शेयर कर दिया गया है, पावर को बांट दी गई है, जिसमें हर कोई का महत्व, हर कोई का स्थान हमारे पार्लियामेंट में हो और हर जगह हो। इसलिए आप जानते हैं पंचायत इलेक्शन में भी रिजर्वेशन रहता है, इवन एमएलए इलेक्शन में भी रिजर्वेशन रहता है। एंड बेल्जियम ऑल्सो गिवन द सेम प्रायोरिटी टू ईच ग्रुप ऑफ पीपल दो दे आर फ्रॉम मेजोरिटी और माइनॉरिटी। यहाँ भी इस तरह कर दिया गया। थर्ड पॉइंट, डिफरेंट सोशल पावर इज गिवन टू डिफरेंट सोशल ग्रुप। एंड फोर्थ पॉइंट,
Power sharing arrangement can also be seen in the way political parties, pressure group and movement group. कई बार first point you have to keep in mind power किस तरह power different forms हम देख रहे हैं क्या क्या form में power share कर गया. First है different form क्या है, पहला judiciary, legislature, executive. Second different level में state level में केंद्र सरकार, state government and local government. And third point हम देखें different social group. Suppose some communities are there in different religion with different linguistic. Those things power has been given. Some different जैसे minority बोलते हैं हम लोग, और जैसे different बोली भाषा बोलने वाले हैं उनके लिए अलग अलग group में अलग अलग power share कर दिया गया है. And fourth political parties में, political party में क्या होता है उसमें pressure group है and movement group. Control on the influence those in power. In a democracy the citizen must have freedom to choose among various content. हमारे पर पावर, हमारे देशों में डेमोक्रेसी में क्या है, हमारे अंदर आज़ादी होना चाहिए कि हमारे मनपसंद के लोगों को, व्यक्ति को, लीडर को चुनने का. कंटेम्पोररी डेमोक्रेसी दिस टेक्स द फॉर्म ऑफ कंपटीशन अमंग डिफरेंट पार्टी. और उसी के विपरीत आज क्या हो रहा है कि बहुत ही कंपटीशन हो गया है. डज नॉट रिमेनिंग वन हैंड और पावर एक ही व्यक्ति पर नहीं रहता, कंपटीशन है. आज कोई घोषणा कर दे, घोषणा पत्र में कुछ लेकर आ जाए, दूसरा कोई दूसरा पार्टी लेकर आएगा. आप चुनाव इलेक्शन समय हर वक्त आप सुन रहे होंगे देश टू ब्रिंग आउट मैनी स्कीम्स दे यूज टू अनाउंस इन देयर प्रपोजल और इन देयर बिफोर इलेक्शन दे यूज टू अनाउंस दो देयर. इन लॉन्ग रन पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज that represent different ideological parties, that represent different political parties or social group. और बहुत सालों के बाद हमारे देशों में different ideology मान विचारधारा, अलग अलग विचारधारा के अलग अलग पार्टी बनाए जाते हैं. कई प्रकार पार्टी कई प्रकार विचारधारा लेकर आती है, जिस तरह हमारे देश में आम आदमी पार्टी एक अलग विचारधारा लेकर आई, आंदोलन किए तो वहाँ से पार्टी खड़ी हो गई, और कई लोग कई प्रकार के इशू लेकर के खड़े हो जाते हैं और अपना एक पार्टी बना लेते हैं. इसलिए इस तरह का पावर उन्हें भी दिया जाता है और इस तरह पावर शेयर होता है. दे आल्सो विल हैव ए शेयर इन गवर्नमेंट गवर्नमेंटल पावर एदर थ्रू पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंटल कमिटी और ब्रिंगिंग इन प्लेस द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन यूनिटी. थर्ड वी विल सी इन दिस थिंग वी शैल स्टडी द वर्क ऑफ पॉलिटिकल पार्टी. आगे हम पढ़ेंगे किस तरह थर्ड में पढ़ेंगे किस तरह पॉलिटिकल पार्टीज वर्किंग विथ इंस्टीट्यूशन and with different power, with social group, different social movement groups. इस तरह कई groups पाए जाते हैं. But in power sharing, you have to understand. यहाँ जो हम देखते हैं main चीज़ है power sharing, सत्ता का बंटवारा, मीन अधिकार का या power का किस तरह share किया जाता है. जो power होता है central government उसे कैसे share करते हैं. हम उदाहरण तौर पर देखे हैं बेल्जियम को लेकर, बेल्जियम एंड श्रीलंका. बेल्जियम में जितने भी लोग रहते हैं डच स्पीकिंग पीपल वेर इन मेजोरिटी, पर ब्रिजल में फ्रेंच स्पीकिंग पीपल दो दे वेर इन माइनॉरिटी, उनके बावजूद भी उनका ही बोलबाला था. इन्हीं सब वजह से वहाँ पे गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लाई जो मिल के रहने के लिए, यहाँ तक संविधान को चार बार उन्होंने उसमें परिवर्तन लाए, उस सुधार लाए ताकि सब एक साथ चल सके. लेकिन उसी परिप्रेक्ष्य में श्रीलंका को देखा, श्रीलंका इसके लिए सहमत नहीं हुआ, जहाँ सिन्हाला स्पीकिंग पीपल वेर मोर 74 एंड तमिल स्पीकिंग पीपल वेर 18. इस तरह वहाँ पे उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया गया, उन लोगों ने मांग किए और आखिर में सिविल वार में परिवर्तन हुआ जो देश की अर्थव्यवस्था में गिरावट आ गया. पर बेल्जियम में ये नहीं था, बेल्जियम ने स्वीकार किया यहाँ तक संविधान परिवर्तन करना करें किसी के साथ मतभेद में. अगर डच पीपल 10 लोग अगर पोजिशन में है, अगर सत्ता में है, तो फ्रेंच पीपल भी उतना स्थान मिलेगा पार्लियामेंट में भी, संविधान में हर जगह एक जैसा कोलेशन गवर्नमेंट बना, एक विचार एक मत के साथ उन लोग स्टैब्लिश किए, जिसके चलते एक यूनियन गवर्नमेंट भी बनाया गया बेल्जियम में. सो पावर शेयरिंग बहुत ज़रूरी है. अगर सत्ता, अगर देश की विकास होना है तो पावर शेयरिंग, सत्ता का बंटवारा अति आवश्यक है. इस चैप्टर में हम लोग इस चीज़ को सीखते हैं. आगे चल के सेकेंड चैप्टर हम लोग जब देखेंगे इस पावर से कंटिन्यूस होने किस तरह पॉलिटिकल पार्टी
और डिफरेंट लेवल में किस तरह शासन होता है उस संदर्भ में पढ़ेंगे. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द राइट डाउन द पॉइंट्स डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग. Different forms of power sharing, you have to understand, and kis tarah local government and central government and state government, how they unite and they share and they check each other and they rule. If any doubt is there, you can ask. And next chapter we will see you again. Thank you for watching.